YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम काराकाट बंदुआ के पहाड़ी बाबा प्रांगण में आयोजित श्री सतचंडी महायज्ञ को लेकर बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई। पहाड़ी बाबा के प्रांगण से कलश यात्रा प्रातःकाल 7 बजे पूरी गाजे बाजे के साथ और भव्य रूप से निकली, जिसमें स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया, डिप्टी मेयर राकेश कुमार सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री मनोज सिंह, जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे, झाबीमो नेता दिलीप सिंह नामधारी के अलावे महायज्ञ समिति संरक्षक मुरारी पांडे, भोलानाथ पांडे जगदीश सिंह, विश्वनाथ पांडे काराकाट, रघुनाथ पांडे बलदेव पांडे, विश्वनाथ पांडे बंदुआ सहित चैनपुर प्रखंड व आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए। कलश यात्रा अभूतपूर्व उमंग व उत्साह के साथ माता के जयकारे के बीच कोयल नदी तट पर पहुंची, जहां से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने अपने अपने कलश में जल भरा। कलश यात्रा पुनः उसी उल्लास व उमंग के साथ पुनः पहाड़ी बाबा के प्रांगण में पहुंची, जहां काशी वाले श्री 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 1008 महंत श्री रामेश्वर दास महाराज जी के सानिध्य में महायज्ञ को लेकर पूजा अर्चना की गई। महायज्ञ समिति अध्यक्ष रामनाथ पांडे ने बताया कि 11 अक्टूबर गुरुवार से 18 तारीख तक दुर्गा सप्तशती का पाठ तथा हवन आदि कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। कहा कि शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक प्रवचन कार्यक्रम के तहत विद्वानों के श्रोमुख से अमृत वर्षा होगी। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर श्री सचंडी महायज्ञ के आयोजन से चारों ओर का वातावरण भक्तिमय हो उठा है।